देश की पहली सरकार है जिसने आयुष्मान योजना राजस्थान में लागू नहीं की, जिसमें राजस्थान के 67% लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 1 लाख रुपए तक को किसान को मिलने वाला ऋण 0% पर देने का संकल्प कर लिया है और 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी किसान हैं उनको पेंशन देने की घोषणा की है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारियों को भी क्रेडिट मिले, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसका अपने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है। वहीं GST में जितने भी लोग व्यापारी इंद्राज है उसको 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने का फैसला भी किया है। सैनिक अगर सेना से रिटायर होता है तो 3 साल में उसके इच्छा के अनुसार पुनर्वास करने का की बात भी कही है। और एक और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए लगाकर देश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की बात कही है। और मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों को जब देखते हैं तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि उनकी पहले की जो ऑनगोइंग स्कीम है, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा बैंक योजना, जितने भी हमारी योजनाएं हैं इन योजनाओं को पूरा करने का काम ये सरकार करेगी। आने वाली सरकार 2022 तक हर आदमी के सर पर छत होगी, किसान की आमदनी दुगनी होगी, हर घर में स्वच्छ पानी मिलेगा। इसी तरह के उज्ज्वल हिंदुस्तान के साथ उन्होंने अपना संकल्प पत्र रखा है। हिंदुस्तान विश्व का सिरमौर बनेगा, इस नाते ये संकल्प पत्र जनता को समर्पित किया है। कांग्रेस पार्टी ने संकल्प पत्र के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि तुष्टिकरण की नीति के कारण वो इस हिंदुस्तान के अंदर वो उस कानून को वापस लेना चाहते हैं जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़े, देशद्रोह के विरुद्ध लड़े। और राजस्थान में मौजूदा सरकार की कलाई खुल चुकी है, कर्जा माफ़ करने में 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की बात कपोलकल्पित साबित हुई है। 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कपोलकल्पित साबित हुई है। और जो सामाजिक न्याय का नया इतिहास प्रारंभ किया था 10% गरीब के आरक्षण को, उसको इतना पेचीदगियों में कर दिया कि आज एक भी गरीब को 10% का आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ना ही विज्ञापनों में इस प्रकार की बात कही है। अर्थव्यवस्था चरमा रही है, राजस्थान में PWD विभाग के सारे ठेकेदार आज हड़ताल पर बैठे हैं, 1 सप्ताह हो गया, उनके 3600 करोड़ के बिल पेंडिंग है। और इस बार 31 मार्च में 4000 करोड़ से ज़्यादा के बिल ट्रेजरी में क्लियरेंस के लिए पड़े रहे, सारे काम ठप हो गए, बिजली नदार्द होने लग गई, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। हमने 100 दिन के सरकार के एक आरोप पत्र भी जारी किया था। और इन सब के बूते पर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान इस बार फिर मिशन 25 पूरा करेगा।